उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में लगभग 9.25 साल से जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, विकास की दृष्टि से भी और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने तक एक से एक अनन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। मैं सारी बातों को 4 या 5 मिनट में नहीं कह सकता, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने अपने 9 साल के शासनकाल में सेवा का काम किया है। शासन कम से कम, सुशासन अधिक से अधिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में महिला कॉलेज खोलने का काम किया है। हर 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज, 22 के 22 जिलों में महिला थाने जहां हमारी बहन बेटियां अपनी बातों को जाकर आराम से कह सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार विपक्ष के साथी किसानों की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको ये मानना चाहिए कि आज हरियाणा MSP पर 14 फसलों को खरीदने वाला पहला ऐसा प्रदेश है जहां किसान खुशी से अपनी फसलों को बेचते हैं और 24 घंटे के अंदर उनकी जो कीमत है, जो लागत है, वो उनके खातों में आती है। पोर्टल की बात करते हैं, इनके एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो ये कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसा जा करके लोगों में लगता है, गांव में लगता है। तो पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भरसक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत सारी ऐसी बातें खेल के विषय में, अभी जैसे भाई बता रहे थे कि 61 में से 20 मेडल अगर हरियाणा लेकर के आ रहा है, ये पहली ऐसी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है कि कोई ओलंपिक या एशियन गेम्स खेलने अगर हमारा युवा जाता है तो उसको प्री तैयारी के लिए 5 लाख रुपया पहले से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार देती है। कहने को बहुत सारी बातें हैं उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं में अपनी बहनों को, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाते हुए पंडित दीनदयाल जी के, उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जैसे खराब फसल की खराबा 10,000 से 15,000 बढ़ाकर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विपक्ष के लोग मजाक उठाते थे कि उनका पैसा बेवजह लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 32.6 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर 8,178 करोड़ रुपए के क्लेम हमारी सरकार ने दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो बहुत सारे आर ओ बी हाईवेज हमारी सरकार ने बनाने का कार्य किया है। इसके साथ साथ एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3 मई 2022 को एक धार्मिक प्रोग्राम में पिठला विधानसभा गए थे तो वहाँ पर मोहना गांव में जो ग्रीन हाईवे बन रहा है जेवर एयरपोर्ट के लिए, उस पर एक कट देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। उसकी जो फिजिबिलिटी है वो चेक हो गई है, तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उस पुल को बना करके 20 से 25 गांवों के लोग वहाँ पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे हैं, तो उस कट का, इंटरकनेक्ट करने का, उस उतार चढ़ाव देने का कार्य तेज़ी से किया जाए। मुझे आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।